हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 4 जून और दिन है गुरुवार, और यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 8। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था आज सुबह का, बरसात कल रात से ही पानी गिर रहा है। और यहाँ पे आज गैस ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं इंडक्शन में चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं अदरक किस के डाल रही हूँ सुबह की चाय में। अदरक वाली चाय हो तो फिर क्या कहने। तो यहाँ पे मैं अदरक वाली चाय बना रही थी, और नक्शू भी खेल रहा था, वो भी उठ गया था हमारे साथ में। गर्मा गर्म चाय तैयार है, आप लोग भी पी लीजिए। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए। और वैसे तो मैं आज कोई और ही सब्जी बनाती, लेकिन मुझे जल्दी सब्जी बनानी थी क्योंकि मुझे रोटी बनाने घर जाना था, तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता मुझे। तो मैंने कहा आलू टमाटर की सब्ज़ी जल्दी बन जाएगी, तो मैं आलू टमाटर ही बना देती हूँ आज। तो आज मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। नक्शू को मैंने किचन में ही बिठा दिया था, उसके टॉयज़ वगैरह दे के, तो वो टॉयज़ के साथ खेल रहा था किचन में, और मैं यहाँ पे काम कर रही थी। वैसे तो मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी में टमाटर नॉर्मल कट करके ही डालती हूँ, लेकिन आज मैंने प्यूरी बना के डाल दी थी टमाटर की। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और टेक्स्चर भी अच्छा आता है सब्ज़ी का। तो मैंने यहाँ पर टमाटर को पीस लिया था मिक्सर में, और फिर उसके बाद मैंने डाला था। उसके बाद जो सूखे मसाले होते हैं, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी यहाँ पे। और उसके बाद मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया था, पानी वाली सब्ज़ी बनाई थी। हल्का सा पानी ऐड किया था मैंने उसमें, ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया था। और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाने के बाद मैं चली जाऊँगी रोटी बनाने के लिए वहाँ घर पे, क्योंकि शुभम को टिफ़िन देना था और लेट भी हो रहा था। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह तो कितनी भी जल्दी काम कर लो फिर भी लेट हो ही जाता है। यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। सुबह के बज रहे हैं 10:15, और शुभम ऑफिस निकल गए हैं। और नक्शू को मैं जब रोटी बनाने गई थी घर पे, तो मैंने नक्शू को वहीं छोड़ दिया था दादी के घर में, तो अभी वो वहीं हैं। मैं टिफ़िन पैक करने के लिए आ गई थी घर पे रोटी बना के, और अभी जब तक नक्शू नहीं है तो अभी शायद 1-1.5 घंटा लगेगा उसको आने में, क्योंकि वो खेल रहा था वहाँ पे मैं लेके गई थी। तो मैं तब तक बाकी के काम निपटा लूँगी जो भी बचा हुआ काम है, और सिलेंडर देखते हैं शायद 2 या 3 बजे तक आ जाएगा, 2-3 बजे तक दे देगा वो डिलीवरी। तो अभी तो आज सुबह का तो हो गया, शाम को कोई दिक्कत नहीं होगी। और कल हमने गेहूँ मंगवा लिया है, ये रखे हुए हैं बोरी में। इधर भी रखा, गेहूँ मंगवा लिया है हमने। और बरसात स्टार्ट हो गई है, गर्मी का तो मज़ा लिया ही नहीं अच्छे से, पता ही नहीं चला कब गर्मी निकल गई, क्योंकि कोरोना की वजह से घर घर में ही रह रहे थे, सब घर में ही रहे, पता ही नहीं चला कब गर्मी आई और कब चली गई। इस बार सच में नहीं पता चला गर्मी कब निकल गई। और गर्मी के टाइम पे केरी बहुत ज़्यादा फेमस होती है, केरी, केरी पना, आम पना, सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे तो सब्जियों की डिलीवरी भी नहीं हो रही थी, और इतना ज़्यादा हो गया था मतलब सब्जी वगैरह, मतलब घर पे ही आते थे, मार्केट जा नहीं पाते थे आप लोग, तो केरी वगैरह आई भी नहीं थी। फिर 1-1 बार हमने मंगाया था सब्जी वाले से, तो वो अभी परसों नरसों के दिन लेके आया था केरी, लेके आया था, और मैंने लिया था। मैंने कहा गर्मी का टाइम है, केरी पना नहीं पिया तो किस काम की गर्मी, मज़ा ही नहीं आता बिना केरी पना के। तो मंगाई थी मैंने, वो रखी हुई थी फ्रिज में, और कल से बिल्कुल बारिश ऐसी हो रही है, तो मैंने कहा कि अब गर्मी तो निकल गई है, अब रखा हुआ है तो वो ख़राब ही हो जाएगा। तो फिर कल मैंने केरी पना भी बनाया था रात में, और कल इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कि कल रात में खाना आधा बन चुका था, चावल रखे हुए थे, और चावल बनाते बनाते ही क्या हुआ, गैस ख़त्म हो गई रात के टाइम पे, ऊपर से पानी इतना गिर रहा था। और जब गैस ख़त्म हुआ तो चावल अभी आधे पके हुए थे, तो फिर उसके बाद फिर हमने इंडक्शन ऑन किया। तो इंडक्शन ऑन जब हमने किया तो लाइट भी चली गई, फिर किसी तरीके से आई, फिर हमने चाय बनाई। दिमाग ख़राब हो गया था तो चाय बनाई, क्योंकि बरसात का भी टाइम था तो ऐसा लगा चाय मिल जाए 1 कप। शुभम ने बोला चाय बनाओ, जब चाय बनाई तो चाय जैसे दूध डाला तो दूध भी फट गया,
पता नहीं क्या हो गया था, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगाई था। फिर गैस ख़त्म हुई, फिर चावल अधपके रह गए, फिर उसके बाद इंडक्शन ऑन किया तो लाइट चली गई, लाइट चली गई तो फिर दूध, फिर आई कि थोड़ी देर वेट किया, जब लाइट आई तो फिर चाय बनाई, चाय बनाई तो दूध फट गया, तो पूरी चाय भी फट गई उसके चक्कर में। खैर वो तो फिर पी ली थी, फेंकेंगे नहीं, बनाई थी तो, बट फट तो गया ही था। फिर किसी तरीके से बाकी के चावल का वो इंतज़ाम किया खाने वाने का, तो सोचा चटनी बना ले अब कैसे खाएं। तो फिर जब चटनी बनाने की बारी, फिर लाइट चली गई। कल बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई रात में, मतलब कल समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। बस ठीक है, निकल गई कल का दिन, कोई बात नहीं। आज सुबह से उठ के फिर मैंने चाय बनाई सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के, और चाय बनाने के बाद मैंने कहा कि सब्जी तो मैं यही बना लेती हूँ इंडक्शन में। एक्चुअली हुआ ये कि जो इंडक्शन वाला तवा होता है नॉन स्टिकी, वो नहीं था हमारे पास, हमारे पास वो लोहे वाला ही तवा था। ये हमने इंडक्शन बहुत पहले लिया था ऐसे काम चलाऊ काम के हिसाब से कि कभी काम आएगा, तो उस हिसाब से हमें डेली बनाना नहीं था, हमें इतना जमा नहीं वो, तो हमने उसके बर्तन भी नहीं लिए थे, बस एक दो चीज़ें ली थी, एक कढ़ाई वगैरह भी ली थी, तो वो भी ख़राब हो गई थी, तो वो भी हम वहीं, जब हमने रूम चेंज किया था तो हम वहीं छोड़ के आ गए थे। बस एक ही छोटी सी ये है भगोनी थी, तो इसमें ही काम चल गया था, चाय बन जाती इसी में, और इसी में फिर मैंने धुल के सब्जी भी बना दी थी। रोटी नहीं बन पाती, बनती भी नहीं, और लेट भी हो रहा था, टाइम नहीं था, सुबह का टाइम, शाम को टिफ़िन भी देना था, तो रोटी मैं घर पर जाके ही बना लिया था मैंने। सुबह बस की दिक्कत थी, तो सुबह का काम हो गया है, रात में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर आ ही जाएगा 2-3 बजे तक, तो जब तक नक्शु नहीं है तो मैं काम निपटा लेती हूँ बाकी के सारे, और फिर नहा नवाना जो भी है, अगर उसके आने से पहले हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको सुलाना पड़ेगा, तो फिर वही 2-3 बज जाएगा नहाते नहाते, क्योंकि फिर उसको भी सुलाना पड़ेगा, और कई चीज़ें होती हैं घर के कामों में तो पता ही नहीं चलता टाइम टाइम कब निकल जाता है। और मैंने सोचा था कि मैंने जो धनिया वगैरह बिना है तो मैं उसको धूप लगा दूंगी एक आध बार, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी बरसात आ जाएगी, सीरियसली मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी बरसात आ जाएगी, पानी वगैरह गिरने लगा, नहीं तो मैं पहले ही ये सारे काम निपटा लेती, लेकिन अब बचा है तो क्या करें, कोई बात नहीं, अब मैं उसको जब पीसना वीसना होगा तो मैं उसको कढ़ाई में ही हल्का भून के और फिर पीस लूँगी, मसाला ऐसे ही बनाऊँगी मैं उसको, अब धूप धूप नहीं लगेगी उसमें। तो बाकी जो बरसात के पहले के इंतज़ाम होते हैं ऑलमोस्ट वो हो ही चुके हैं, आप देख सकते हैं गेहूँ रखा हुआ है, गेहूं और चावल भी मंगवाई है, 1 50 किलो की बोरी है चावल की भी। इतना गेहूं मैं नहीं खाऊंगी, अगर आप ये लोग सोच, आप ये सोच रहे हैं कि मैं खाने वाली हूँ इतना गेहूं, तो हम इतना गेहूं नहीं खा पाएंगे, ये वहाँ घर का भी गेहूं है, तो इसमें बोरियाँ उधर की भी हैं कुछ, तो इसलिए इतना ज़्यादा लग रहा है, तो बस यही चीज़ें हैं, बस प्याज वगैरह नहीं उठा पाए, उठा लेंगे कोई बात नहीं, आजकल में वो भी हो जाएगा, वो भी उठ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑलमोस्ट सारे काम निपट गए हैं, सबसे अच्छी बात ये है। और आज दोपहर में एक बार फिर से पना बनाऊंगी अभी तो पहले काम कर लूँ, नहीं तो नक्शु आ जाएगा तो वो मुझे काम नहीं करने देगा बिल्कुल भी। आप लोगों से मैं बाद में बात करती हूँ। यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में बर्तन धुलने के लिए, आज बर्तन बहुत ही कम थे, आज क्या डेली ही कम निकलते हैं मॉर्निंग के बर्तन, क्योंकि अभी ऑफिस स्टार्ट हो गया शुभम का, तो सुबह सुबह ज़्यादा काम ना हो इसलिए मैं रात में ही बर्तन धुल लेती हूँ, रात के बर्तन रात में ही ख़त्म कर लेती हूँ धुल के मैं, ताकि सुबह ज़्यादा बर्डन ना हो मुझे। तो ये सुबह के ही कुछ बर्तन थे, 2-4 बर्तन थोड़े बहुत, तो मैं यहाँ पे आके धुल रही थी, और अगर ये फिर मैं छोड़ देती हूँ तो फिर ये शाम को और ज़्यादा हो जाते फिर अभी के और फिर शाम के, तो मैंने कहा मैं अभी धुल लेती हूँ, और यहाँ पे बर्तन ही धुल पाई थी मैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी, और नक्शू आ गया था यहाँ पे, तो नक्शू के आने के बाद मैंने उसे सुला दिया था, तो वो सो रहा था, और जब वो सो रहा था तो मैंने बाकी काम निपटा लिए थे तब तक, और यहाँ पे देख सकते हैं 11 बज रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी पानी अभी थोड़ा थोड़ा गिर ही रहा है, टपर टपर, बिल्कुल बारिश बंद नहीं हो रही है कल से, हल्का ही गिर रहा है पानी, ज़्यादा तेज़ नहीं गिर रहा है लेकिन फिर भी गिर रहा है। और नक्शु सो गया था तो मैंने कहा कि मैं आके खाना वगैरह खा लेती हूँ जब तक, तो यहाँ पे मैं खाना वगैरह लेके बैठ गई थी खाने के लिए, मैंने कहा कि पहला काम तो मैं कर ही लेती हूँ खाने का, बाकी काम होता रहेगा वो जग जाएगा उसके बाद भी। और यहाँ पे नक्शु उठ गया था, कुछ आधा 1 घंटा ही सोया था, मेरा खाना खाने के बाद ही वो उठ गया था वो, और यहाँ पे मैं उसको भजन, आजकल वो आ करके गाना गाता है, उसकी ताली, उसके हाथ से ताली बजवाओ तो वो गाना वगैरह गा रहा था, तो मैं उसको खिला रही थी, और उसकी ये फेवरेट जगह है यहाँ पे खिड़की के पास खड़े होना, बस उसको छोड़ो बेड पे तो वो यहीं खिड़की के पास आके वो बस देखता रहता है, बाहर का व्यू उसे अच्छा लगता है,
तो मैं भी उसको पकड़ लेती हूँ। वैसे तो मैं ध्यान देती हूँ, पीछे से पकड़ के रखती हूँ या ध्यान देती रहती हूँ कि वो इधर उधर गिरे नहीं, उसको ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे वो खेल रहा था तो मैं भी उसके साथ मस्ती कर रही थी, लेकिन इसी मस्ती मस्ती में कब 3 बज गए पता ही नहीं चला। 3 बजे तक क्या जगा था देखने, नक्शो आज, क्या 3 बजे तक देखने मस्ती करी है उसने। आएगा? ओ आ ओ आ डॉगी कैसे बोलता बिट्टू? भोबो डॉगी बोलता है, भोबो। यहाँ पे नक्शु के जो छोटे छोटे पैर, वो अपने छोटे छोटे पैरों से खुद ही खड़ा हो जाता है आजकल। खिड़की कुछ भी चीज़ पकड़ के वो खुद खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे वो खड़ा था और ये आप देख सकते हैं, आप पीछे से ऐसे मैंने तकिया वगैरह लगा दिया था क्योंकि वहाँ गिरने का डर रहता है, दीवार वगैरह लगने का। तो तकिया वगैरह अड़ा के और फिर मैं उसे खड़ा कर देती हूँ। और इसके बाद सो गया था नक्शु 3 बजे के बाद आराम से। और यहाँ पे शाम के बज रहे 5, मैं आ गई थी केरी पना बनाने के लिए। मैंने कहा केरी पना बना लूँ, तो मैंने इसका जो ऊपर का वो है वो निकाल के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने केरी पना बनाया है, मुँह देखते ही मुँह में पानी आ रहा था मेरे तो मैंने सबसे पहले केरी पना बना के पहले पिया मैंने उसको बाहर बैठ के। और यहाँ पे देख सकते हैं 5 ही बज रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे 6-7 बज रहे हों। और ये पूरा बारिश की वजह से पूरा गीला गीला हो गया, अजीब सा, बिल्कुल मन ख़राब सा हो गया। मतलब हम लोग वॉक वगैरह करते थे शाम के टाइम पे, लेकिन अभी तो अभी कल से सब बंद है, कल भी नहीं किया था, आज भी नहीं करेंगे। अब शाम के बज रहे हैं 5, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है बाहर। मतलब उजाले जैसा कुछ भी नहीं है, लाइट्स ऑन करनी ही पड़ रही है घर की। और अभी मैंने नक्श अभी हम दोनों ही सो के उठे थे, तो मैंने नक्शु को चेंज करके और तैयार करके मैंने उसको भेज दिया। उसकी वो गया है अपनी दादी के घर और मैंने बनाया है केरी पना। बहुत सुकून मिला है आज दिल को पी के, पूरी गर्मी निकल गई लेकिन केरी बना नहीं पिया था। चलो अब कह सकते कि हाँ गर्मी आई थी। हाँ गर्मी में नहीं पिया मैंने उसको, बरसात के टाइम पे पिया है, बट पिया है तो मैं बोलूँगी कि हाँ गर्मी आई थी, केरी मिली थी खाने के लिए, तो बहुत सुकून मिला आज। ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं तक था। दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक।